रोटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक में एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे कि एग्जांपल में चार लेटर को पांच लेटर बॉक्स में कैसे पोस्ट किया जाएगा, पांच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस की चॉइस फोर फोर है तो कितने तरीके से करेंगे, फाइव रिंग्स को फोर फिंगर्स में किस तरीके से पहना जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में समस्या ये आती है कि आंसर एग्जांपल में फोर की पावर फाइव या फाइव की पावर फोर होगी या किस नंबर की पावर क्या होगी, ये वो एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। आज के सेशन में पूरे लेक्चर में इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे कि किसकी पावर क्या होगी। इनिशियली हमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है। अगर सही तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखा जाएगा तो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आंसर क्या आने वाला है। तो एक पहला क्वेश्चन बेसिक सा लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज फोर लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन फाइव लेटर बॉक्स। कहने का मतलब हमारे पास चार लेटर हैं और पांच लेटर बॉक्स हैं, चार लेटर को पांच लेटर बॉक्स में किस तरीके से पोस्ट किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे आराम से आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें कि इनिशियली हमारे पास लेटर बॉक्स फाइव थे, तो इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बॉक्स हैं, फाइव लेटर बॉक्स। लेटर्स हमारे पास फोर है, तो हमारी जॉब जो है परमुटेंस कॉम्बिनेशन में हर चीज़ को एक जॉब मानते हैं, मतलब पूरा पूरा वो होगा और प्रैक्टिकली होगा। कहने का मतलब कुछ बच्चे हैं उनको बैठालना है, तो किस तरीके से बैठेंगे प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही लेटर को पोस्ट करना भी एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। बॉक्स कभी भी चल के लेटर के पास नहीं आएंगे, लेटर को पोस्ट करना होगा। तो अगर देखा जाए तो सारे लेटर्स पोस्ट करने हैं तो एक एक करके वन बाई वन करेंगे। तो पहला लेटर हमने लिया, फर्स्ट लेटर को हमने पोस्ट करने के लिए लिया। अगर हमारे पास ये बॉक्स ना होता, ये बॉक्स ना होता, ये बॉक्स ना होता, क्रॉस का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारे पास एक भी बॉक्स ना होते इनिशियली, एक भी बॉक्स नहीं होते लेटर हमारे पास होते तो हम पोस्ट कर पाते, नहीं कर पाते। अब अगर हमारे पास एक बॉक्स है तो एक लेटर को पोस्ट करने के तरीके कितने हैं, वन है, क्योंकि एक ही लेटर बॉक्स है। आपने अगर पोस्ट किया है, किसी को आइडेंटिफाई करना है तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसी वाले लेटर में, ये लेटर बॉक्स में ये लेटर होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही लेटर है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको कहीं जाना है और आपके शहर में सिटी में एक ही बस स्टॉप है, तो आपको ढूंढना हो तो आसान है क्योंकि आप एक ही बस स्टॉपेज है तो आप वहीं पाए जाएंगे। अब एक ऐसी सिटी है बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉपेज हैं, अगर उस पर्सन को ढूंढना होगा, अगर वहाँ पे 50 स्टॉपेज हैं तो ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि वो 50 स्टॉपेज में कहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे यहाँ पर एक लेटर बॉक्स इनिशियली था तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, एक ही तरीके से कर सकते थे। अब हमने माना कि आपके पास इनिशियली दो लेटर बॉक्स हैं, इन लेटर बॉक्स को हम ए और बी से डिनोट कर रहे हैं, लेटर को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो अब इस लेटर को पोस्ट करना है तो हमारे पास तरीके कितने होंगे, यहाँ पे तरीके देखते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो लेटर है वो ए वाले बॉक्स में है, पर एक सिंगल लेटर को आपने इस वाले बॉक्स में डाल दिया और ये वाला बॉक्स क्या एम्प्टी है, एक तरीका है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसमें ना डालें, इसमें डाल सकते हैं। तो लेटर अब दो बॉक्स में, एक लेटर दो बॉक्स में कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं आप, अगर दो आपके पास बॉक्स है कितने तरीके से, दो तरीके से, पहला तरीका ये और दूसरा तरीका ये। अगर इसी तरीके से हम इस वाले तीसरे बॉक्स को भी कंसिडर करते हैं, अगर इनिशियली हमारे पास तीन बॉक्स हैं तो एक लेटर को, अब आपके पास तीन तरीके हैं, या तो पहले में रहेगा या दूसरे में या तीसरे में। अब अगर हमारे पास लेटर बॉक्स पाँच हैं जैसे यहाँ पे लिए गए, तो एक लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके हैं, फाइव। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि जितने बॉक्सेस होंगे एक लेटर को पोस्ट करने के उतने तरीके होंगे। तो इनिशियली हमारे पास फाइव बॉक्स हैं तो एक सिंगल लेटर, पहला लेटर पाँच तरीके से जाएगा। अब अगर दूसरा लेटर बीटा का ले लेते हैं तो इनिशियली अगर हमारे पास सिचुएशन वही है कि यही लेटर बॉक्स है
तो हमारे पास एक ही तरीका है, क्यों? क्योंकि अल्फा भी यहीं पोस्ट किया जाएगा और बीटा भी यहीं पोस्ट किया जाएगा, बाकी सारे अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दोनों लेटर के अगर एक बॉक्स है तो दो लेटर हुए, तो एक ही तरीके से लेटर को पोस्ट करेंगे। अगर अब हमारे पास दो लेटर बॉक्स हो गए, यानी बाकी सब बॉक्स अभी क्रॉस है, तो यानी कि अभी ओपन नहीं किए गए, खोले नहीं गए, तो अब देखिए कितने तरीके से दो लेटर को, दो लेटर बॉक्स लिए गए हैं और दो हमारे पास लेटर हैं। अब दो लेटर बॉक्स में दो लेटर को कैसे पोस्ट करते हैं ये देखते हैं। पहला तरीका क्या है, आपने अल्फा को और बीटा को ए लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, ये वाला लेटर बॉक्स एम्प्टी है, वन में। दूसरा भी ये हो सकता है कि आपने ए वाले पहले वाले लेटर बॉक्स में कोई भी नहीं डाले और दोनों लेटर क्या कर दिए, बी वाले बॉक्स में डाल दिए। एक तरीका हो सकता है कि अल्फा इसमें डाला, बीटा यहाँ पे डाल दिया। और चौथा तरीका क्या हो सकता है, बीटा यहाँ डाल दिया, अल्फा यहाँ डाल दिया। इन सारे चारों तरीके में दो लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिए गए। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो एक लेटर के लिए, अल्फा के लिए हमारे पास कितने तरीके थे, एक और दो, और दूसरे के लिए भी कितने थे, एक और दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू इंटू टू। अगर अब हम लेटर तीन लेटर बॉक्स को इनिशियली मानते हैं, दो लेटर के लिए तीन लेटर बॉक्स अगर माने, तो होगा क्या, अल्फा या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। यानी कि अल्फा जो हो सकता है वो ए में हो सकता है, बी में या सी में, इन तीनों तरीके से हो सकता है। और उसके साथ बीटा, मतलब ये अल्फा के लिए, आइधर ए में, या तो आप अल्फा को ए में पोस्ट कर सकते हो या बी में या सी में। इनिशियली अल्फा के लिए तीन लेटर बॉक्स थे, अल्फा को हम यहाँ पे लेटर मान रहे हैं, तो यहाँ पे तीन तरीके हैं अल्फा को पोस्ट करने के, उसके साथ साथ बीटा को पोस्ट करना है। तो आप बीटा को इसके साथ साथ ए में पोस्ट कर सकते हैं, बी में पोस्ट कर सकते हैं, सी में। कहने का मतलब यहाँ ये ट्री से ये दिखाया गया है कि अल्फा लेटर ए में है, उस समय बीटा लेटर ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है और सी में हो सकता है। इसके साथ कितने तरीके एसोसिएट हुए, तीन। ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, बी के साथ बीटा लेटर ए में हो सकता है, बी में हो सकता है और सी में। ऐसे ही बीटा लेटर ए में हो सकता है, बी में हो सकता है और सी में। तो अल्फा के तरीके तीन हैं और उसके साथ बीटा के लिए कितने गुने हो गए, टाइम्स हुए, हर हर एक वे का कितना टाइम्स हो गया, थ्री टाइम्स, यानी कि थ्री इंटू थ्री, थ्री की पावर टू। तीन लेटर थे हम, लेटर बॉक्स थे हमारे पास और दो लेटर थे, तो थ्री की पावर टू हुआ। यहाँ पर दो लेटर बॉक्स थे और दो लेटर थे, तो टू की पावर टू हुआ। तो अगर ऐसे ही फाइव लेटर बॉक्स होंगे और फोर लेटर्स होंगे, तो एक लेटर के लिए कितने लेटर बॉक्स हैं, फाइव। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइव की पावर फोर आंसर फाइनली होगा। तो यहाँ पर बस ये ध्यान देने वाली बात है कि लेटर पोस्ट करने जा रहे हैं या लेटर बॉक्स लेटर के पास आ रहे हैं। तो लेटर पोस्ट करते हैं लेटर बॉक्स में, तो पहले लेटर को आप उठाइए और देखिए कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो फाइव ऑप्शंस हैं और दूसरे लेटर के लिए भी फाइव हैं, तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। अब जितने लेटर होंगे उतने बार फाइव इंटू फाइव करेंगे, तो अगर चार लेटर हैं तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव चार बार करेंगे, पाँच लेटर हैं तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव फाइव टाइम्स करेंगे, एन लेटर्स हैं तो फाइव की पावर एन जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी, ये नहीं हुई अब कोई डाउट, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम दे दें, नहीं समझ में आ गया, नहीं आया तो इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। ट्री दिखा दिया ना यहाँ पे, ओके तो वो बना लो ट्री, या यूट्यूब पे पड़ जाएगा देख लेना, हटा दे इसको। तो अभी तो हम एग्जाम्पल दिखाते जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। नहीं ये बात तो क्लियर हो गई ना कि कैसे डाल रहे ना हम लोग, ठीक है। अब जैसे पांच लेटर हैं तो कैसे होगा, पहले के लिए अल्फा के लिए क्या ए बी सी डी ई, ओके। फिर बीटा के लिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, क्योंकि एक इसमें रह सकता है, ए बी सी डी ई, ओके। मतलब पहला लेटर ए में पड़ा है और बीटा वाला किस में, या तो ए में या तो बी में या तो सी में या तो डी में या तो ई में। फिर इसके साथ तो पाँच के क्या हो गए, पाँच गुना पच्चीस, फिर उसके साथ गामा वाला
फिर इसके साथ क्या, इसके 5 टाइम्स, तो 25 के 5 गुना हो गए फिर वो, वही ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 5 टाइम्स, तो 25 के 5 गुना 125, फिर उसके फिर 5 टाइम्स होंगे, सारी एक एक फिर 5 पे फिर ब्रांच छूट 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 रही है ना, समझे कि नहीं। अब जैसे ये और फिर इसके बाद ये आ रहा है ए बी सी डी ई, तो इसका मतलब क्या था, अगर आपने ये ऑप्ट किया, इसका मतलब ये है कि पहला लेटर भी ए में है, दूसरा लेटर भी ए में है, और तीसरा लेटर भी क्या है, ए में है। अगर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब क्या है कि अल्फा लेटर ए में है, बीटा लेटर किस में है, ए में है, और गामा किस में चला गया, बी में चला गया, ये हो सकता है कि नहीं। ओके, तो ये चीज़ है, तो ये नेटवर्किंग लाइव हाँ प्रोग्रामिंग की तरह है। सोचो भाई, डीप इनर डीप में जाइए, क्या ये तो एक है। हाँ, 5 का 5 तो हो जाएगा, आंसर निकालना सीख गए, आंसर निकालना सारे सीख जाते, जैसे तुमने भी सीख लिया होगा, मगर तुमने इतना ज़्यादा विजन नहीं सोचा, तो सोचना है, क्योंकि हाँ वो तो मतलब एक रटाफिकेशन हो गया, मैंने बोला कि ठीक है, मगर प्रोग्रामिंग एक जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे चल रहा है, डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, तो ये चीज़ दिखाई जा रही है। अब जैसे ये ब्रांच हुई ए ए बी ए, तो ए बी ए आया, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा किस में है, ए में, फिर तुमने बीटा किस में डाल दिया, बी में, फिर तुमने गामा किस में डाल दिया, ए में, समझे कि नहीं। हाँ, तो सारी मतलब 5 की 5 5 जो है हम आपको यहाँ दिखा देंगे, अभी विजुलाइज करा देंगे, सारी सारी दिखने लगेंगे आपको, देखेंगे नहीं। यहाँ भी हो सकता है ए के साथ ए, फिर उसके साथ क्या सी चला जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा किस में पोस्ट किया गया, बी में, फिर गामा ए, बीटा ए में, फिर गामा सी में, ठीक है, ऐसे डाल दिया गया। ओके, हाँ, तो हमें क्या करना, हमें आंसर नहीं निकाला, क्यों, हमें आगे का देखो, मैथमेटिशियन होता तो एक अलग बात आंसर निकाल देता, वी आर गोइंग टू बी ए प्रोग्रामर, ठीक है, तो हमें वो सब क्या सारी ब्रांच को पकड़ना है, ठीक, प्रोग्राम बनाना है, ठीक। ओके, इसलिए कुछ ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है, एमसीए में भी बहुत है, क्योंकि ये सब लॉजिक दे रहा है, तो ठीक, इतने सारे वे आप पकड़ पा रहे हैं। ओके, ये सब मूवमेंट है, मतलब एक एक कंप्यूटर को ये जॉब दी जाए तो वो कितने तरीके से एग्जीक्यूट करता है। भाई, एक कंप्यूटर मशीन बनाई, तुमने कहा इस सिटी में 5 लेटर बॉक्स हैं, और उसको तुमने 4 लेटर पोस्ट कर दे दिए, ठीक है, तो वो कितने तरीके उसके दिमाग में आएंगे, तो 5 की पावर 4 इतने तरीके से वो पोस्ट कर सकता है, इतनी जॉब है उसका, कैलकुलेट करेगा वो, ठीक, उनमें से कोई एक जॉब असाइन करेगा, ठीक, समझे कि नहीं। अरे, आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे आप कहीं जाने के लिए निकले, आप एक चौराहे को आपने छोड़ दिया गलती से, ठीक है, तो आगे जाके गूगल मैप तुरंत दिखाता कि नहीं, वे 4 वे फिर नेक्स्ट क्रिएट कर देता है, मतलब जो जो पहले दिखा रहा था वो वाला चौराहा आपका छूट गया, तो जब आप दूसरी रास्ता ले लिए, फिर वो बैक कलेक्ट नहीं दिखाता है, नेक्स्ट दिखा देता है कि यहाँ से भी शॉर्टेस्ट है, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये प्रोग्रामिंग ही है ना, कि आप शुरुआत से चले तो पहले वाले चौराहे से 4 वे हैं, फिर आपने उनमें से पता नहीं कौन सा ले लिया, फिर उसके बाद कितने हैं, 3 वे फिर दिखा रहा है, ठीक है, फिर आपने फिर ये ले लिया, उसके बाद फिर कितने दिखा दिए, फिर 2 दिखा दिए, फिर आप इधर चले गए, तो फिर 5 फिर दिखा दिए उसने, दिखाता रहता है, तो यही मल्टीपल हो रहा है, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लगी है, ऐसे थोड़ा गूगल में, तो गूगल ही को बनाते तो हम लोग बना देते, समझे कि नहीं, दिखाता नहीं, जैसे आप आगे चले तो बैक लिए दिखाता है, नेक्स्ट दिखाने लगता रूट, हाँ, तो फिर तुरंत दिखाने, तो कितने, अब उसे क्या पता कि मतलब एक तो बिल्कुल फिक्स वे है, मगर कोई डाइवर्ट होकर कोई और ले सकता है ना, फिर भी उसने क्या शॉर्टेस्ट एल्गो लगाई होगी, कि वहाँ से भी क्या है, अभी भी फिर उसने नेक्स्ट रूट तुरंत क्रिएट कर दिए ना, तुरंत आपके मैप में फिर आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पर ले रहे हैं, और इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और क्लियर होंगे, क्योंकि वो वाला जो लास्ट में क्वेश्चन कंसीडर किया था, और ये क्वेश्चन कंसीडर है, दोनों लगभग सिमिलर हैं, बट आंसर में हो सकता है कि डिफरेंट आंसर आए। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन के ऑप्शन आंसर्स के तरीके काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस एग्जाम में देते हैं, तो एक कोई क्वेश्चन लिया तो उसके ऑप्शन ए बी सी हैं या डी हैं, तो एक क्वेश्चन के 4 चॉइसेस, तो ऐसे यहाँ पर भी लिए गए, ईच क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस, 5 क्वेश्चंस लिए गए, और हर एक क्वेश्चन की चॉइसेस कितनी है, 4 4 हैं,
तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, उन पांचों क्वेश्चंस को कितने तरीके से किया जा सकता है यहां पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव, आपके पास पांच क्वेश्चंस दिए गए, ईच हैविंग द चॉइसेस ए बी सी और डी, यानी कि इसका आंसर या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, किसी को एक को टिक करके आंसर दिया जा सकता है। जैसे कि कॉम्पिटिशन में आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पांच क्वेश्चंस लिए गए, ये जॉब आपको करनी है। तो देखते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का करने का तरीका कितना है, पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को आप करेंगे तो उसका तरीका है, या तो आप उसको क्वेश्चन नंबर वन को या तो आप ए से टिक करके कर सकते हैं, या बी टिक कर दिया, या सी टिक कर दिया, या डी। तो एक क्वेश्चन को आप चार तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन को अगर जो हमने पहले लिया था वहाँ पे चार लेटर्स लिए थे और पांच लेटर बॉक्स थे, तो एक लेटर को लेटर वहाँ पोस्ट करेंगे जाके, तो लेटर को पांच लेटर बॉक्स में पांच तरीके से पोस्ट कर सकते थे। यहाँ पर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के चार तरीके हैं, तो पहले क्वेश्चन को करने के चार तरीके और दूसरे क्वेश्चन के करने के भी कितने हैं, चार हैं, पर पहले के बाद दूसरा करेंगे। तो पहला कर लिया, सपोज पहला क्वेश्चन किया आपने ए टिक कर दिया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं क्यू टू का, तो ए के बाद आप ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आपने ए टिक किया और क्वेश्चन नंबर टू का भी आंसर कितना टिक किया, ए, यानी आपने अपनी ओएमआर या आंसर सीट में दोनों के ए ए टिक कर दिया, एक बे। दूसरा भी हो सकता था ए बी, ये दूसरा भी है, तीसरा हो सकता है ए सी और ए डी। तो इसके ए के साथ आप इसको कितने तरीके से दे सकते हैं, चार तरीके से। अब यहां बी भी हो सकता है, बी के साथ भी कितने, चार, सी के साथ कितने, चार, और डी के साथ भी कितने, चार। तो इसके चार और इसके चार, तो कितने हो गए, फोर की पावर टू। तो दो क्वेश्चंस के तरीके कितने हो गए, फोर की पावर टू, तीन क्वेश्चन होते तो फोर की पावर थ्री, चार क्वेश्चन होते फोर की पावर फोर, पांच क्वेश्चन होते फोर की पावर फाइव। तो यहां आंसर क्या आएगा, फोर की पावर फाइव, वहां क्या आया था, फाइव की पावर फोर। तो ये लगता है कि फाइव की पावर फोर आ रहा, फोर की पावर, लॉजिक अगर ध्यान दें, वहां पे लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करना था, तो जितने लेटर बॉक्स होंगे, लेटर बॉक्स होंगे उतने ही तरीके, उतने की पावर लेटर जाएगा। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मूवेबल की पावर नॉन मूवेबल, ऐसा कुछ होता है मुझे, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब नहीं तुमसे नहीं सुना, मैंने बहुत सारे लोगों में सुना है, बट ध्यान दें कि यहाँ पर देखा जाए तो लेटर लेटर बॉक्स और लेटर वाली प्रॉब्लम और क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को करने के तरीके, मतलब ये हमारे लेटर बॉक्स की तरह हैं, तो एक इसको पोस्ट करना, तो या तो इससे पोस्ट कर दिया, इससे या इससे या इससे, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जब जैसे की जाती वैसे करेंगे तो कन्फ्यूजन हट जाएगा। दोनों प्रॉब्लम को आप समझें ध्यान से, यहां पर हमें क्वेश्चन करना है तो चार ऑप्शन थे, तो चार तरीके थे, तीन ऑप्शन होते अगर प्रॉब्लम होती नहीं, कि एक पांच क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को तीन तरीके से कर सकते हैं, यानी थ्री चॉइसेस हैं। तो आप जब एक क्वेश्चन करते हैं तो कितने तरीके से, तीन तरीके से, तो पहला तीन तरीके, दूसरा तीन, पांचों कितने, थ्री की पावर फाइव। अगर एक क्वेश्चन के दो चॉइसेस होते तो कितने तरीके से करते हैं भाई, दो चॉइसेस हैं ए और बी, तो एक क्वेश्चन के तरीके आंसर कितने तरीके से, दो, और एक क्वेश्चन के एक ही चॉइस होता एक तरीके से, तो वन 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 हो जाता, वन की पावर फाइव हो जाता है वन, और टू अगर चॉइसेस होती तो टू की पावर फाइव, थ्री होती तो एन चॉइसेस हैं तो एन की पावर फाइव, आर होती तो, अब एन क्वेश्चन है और सबकी चॉइसेस आर है, तो बताइए क्या होता, आर एन क्वेश्चन हैं और आर चॉइसेस हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के तरीके कितने हैं, आर है या एन है, ठीक, उसकी पावर वो हो जाएगा। वहां पर अगर एन लेटर बॉक्स होते और आर लेटर्स होते तो कितने तरीके से बताइए, बोलो बोलो, नहीं देखो अब देखो ये कन्फ्यूजन आ गया, ठीक, अब देखो इसको हटाएंगे कैसे, हमने बोला कि एन लेटर बॉक्स है, यहाँ दो प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान देंगे, एन लेटर बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस जिसमें लेटर डाले जा रहे हैं,
और लेटर्स कितने हैं आर, यहाँ पे एन क्वेश्चंस हैं और चॉइसेस कितनी है आर, यानी एक क्वेश्चन को आर तरीके से कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी आर तरीके से, और यहाँ पर आर लेटर्स हैं और लेटर को पोस्ट करने के लिए एन लेटर बॉक्सेस लगाए गए हैं। तो दोनों प्रॉब्लम में आप याद ना करें कि एन की पावर आर होगा कि आर की पावर एन होगा, अगर ऐसे याद करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। प्रॉब्लम कैसे एग्जीक्यूट होती है ध्यान देते हैं, लेटर को पोस्ट करना है लेटर बॉक्स में, तो पहला लेटर उठाइए क्योंकि एक बारी बारी लेटर सारे पोस्ट करने पर एक एक बारी बारी से ही लेटर पोस्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक एक करके सारी जॉब को करना है, तो एक पहला लेटर फिर दूसरा फिर तीसरा, तो एक लेटर उठाइए सिंगल लेटर, पहले कंसिडर किया सिंगल लेटर। इस सिंगल लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, एक लेटर को पोस्ट करने के लिए कितने ऑप्शन हैं, एन लेटर बॉक्स है कि नहीं, तो एक लेटर कितने तरीके से पोस्ट हो सकता है, हाँ तो वन लेटर पोस्ट एन वेज, तो एक लेटर एन तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा लेटर भी एन तरीके, तो एन की पावर कितना हुआ टू, तो अब लेटर कितने हैं, यहां पे लेटर कितने हैं आर, तो एन की पावर आर आ जाएगा। ठीक, तो पहले ये फिक्स करिए कि एक लेटर कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, एन तरीके से, अब जितने लेटर्स होंगे पावर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे नहीं, यहाँ चार लेटर होते तो क्या होता, फोर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अब सपोज मान लीजिए अल्फा लेटर बॉक्स है, कितने लेटर बॉक्स हैं, अल्फा लेटर बॉक्स हैं और बीटा लेटर्स हैं, तो बताओ तुम बताओ, सपोज तुम बताओ अल्फा लेटर बॉक्स हैं और बीटा लेटर हैं, तो हमने क्या बताया है, हाँ लेटर हैं, हाँ आंसर मत ध्यान दो, पहले हमने बोला क्या ध्यान देना है, लेटर, हाँ तो लेटर को पोस्ट करना है कि लेटर बॉक्स आएंगे, हाँ हाँ तो सारे पहले एक उठाओगी ना, तो एक उठाया, अब उसके लिए कितने बॉक्स हैं, अल्फा, तो एक के लिए अल्फा, दूसरे के लिए भी, तो क्या होगा, हाँ तो लेटर बॉक्स कितने हैं, हाँ तो क्या होगा अल्फा की पावर नहीं होगा कि नहीं होगा, तो याद याद कर रही हो, अल्फा लेटर बॉक्स हैं और बीटा लेटर हैं, ठीक है, लेटर कितने हैं बीटा, लेटर बॉक्स समझती हो ना, हाँ तो अब लेटर बॉक्स चल के आएंगे लेटर के पास कि भाई चलो पोस्ट कर लो, कि लेटर जाएंगे लेटर बॉक्स के पास, हाँ तो एक लेटर उठाओगी, अब एक लेटर के को पोस्ट करने के लिए कितने लेटर्स बॉक्स हैं, अल्फा है, तो पहले के लिए तरीका कितना है अल्फा तरीका, दूसरे के लिए, अब ये तो होगा ना कि एक लेटर पोस्ट कर दिया, लेटर बोलेगा मैं भर गया हूँ उसमें डाल सकते दोबारा ना, तो फिर दूसरे के लिए भी कितने हैं अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा, तो दो के लिए क्या हुआ अल्फा स्क्वायर, तीन के लिए, तो बीटा के लिए क्या होता है पावर बीटा। ठीक, अब यहाँ पर एन क्वेश्चन है आर च्वाइसेस हैं, एन क्वेश्चन है आर, मतलब कहने का है कि एक क्वेश्चन की आर च्वाइस है, तो अब पहला क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो एक क्वेश्चन के करने के चॉइसेस कितनी है आर, अगर चार होती तो चार, तो एक क्वेश्चन को आर तरीके से किया गया, कितने वेज में आर वेज में, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन अगर करते तो वो भी आर वेज में होता, अब दोनों क्वेश्चन आर स्क्वायर हो जाता, तो दो क्वेश्चन के लिए कितना आर स्क्वायर, अब कुछ क्वेश्चन कितने हैं, हाँ तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली है, और ये पूरा पूरा कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको दे देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस से आंसर निकालें, आंसर अगर सही होता है तो आप इसके मास्टर हो गए, ये क्वेश्चन दे, ठीक बताओ कौन सा, कोई भी दे देना, ये डाले नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, सही से आया, अब तुम वेला वेला नहीं करोगे ना, बोलो, अच्छा दोनों तुम्हारे पास तरीका है, अब तुम कौन सही वाला तरीका अपनाओगे, वो वाला नहीं, मेरे वजह से बोलो, बोलो मैंने बोला कि ये मेरा वो भी, मैंने बोला वो ये मेरा तरीका नहीं है, वो भी मेरा तरीका है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको भी बता सकता हूँ, तुम कौन सा अपनाओगे, डार्विन्स लॉ सुना है कि नहीं, हमने बोला रहेगा तुम्हारे पास वही जो फिटेस्ट है, ठीक है, मगर उसमें
आंसर आने आ सकता है, मगर तुम अभी तो समझ पा रहे हो कौन सा मूव कर रहा है, दो दो तीन प्रॉब्लम सुन देखी है, आगे ही नहीं जान पाओगे कौन से, दोनों ने ऐसे हम प्रॉब्लम तुम्हें दिखाते हैं दोनों ही मूव करते हैं। हाँ आगे तुम्हें देखा ना, तुम कहो अब साले मूव करो तो मूव थोड़ा करेगा वो, ठीक है लोग कहते हैं, मगर आगे जाके क्या होती है प्रॉब्लम जब कंप्यूटर की आएंगी तब ये नहीं बता पाओ कौन मूव कर रहा है। ठीक है दो तीन प्रॉब्लम बता देते भाई, दो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन और ऑप्शन में कौन मूव कर रहा है बता पाओगे, रिंग और फिंगर में बता पाओगे कि रिंग मूव कर रही है, ठीक है ये कर रहा है, फोटोज मूव कर रही हैं, तो वो शुरुआत ही लेवल पे होता है वो चीज़। सिंपल है ना कि आप एक जो जैसे आप आपको रिंग पहनाना है फिंगर में तो फिंगर जाएंगी कि रिंग, आप कैसे जॉब करोगे, एक रिंग उठाओगे, आप दो फिंगर्स को अलाउ किया गया तो कितने तरीके से, तीन फिंगर्स में पहनाना तो ठीक है, आप हार पहनाने पाँच लोग हैं तो क्या करोगे, एक हार के लिए क्या पाँच खोपड़ियाँ हैं ना, हाँ तो पाँच तरीके बस, अब दो हार होंगे तो फाइव का और टू बस, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग अब इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं तो वो प्रॉब्लम कैसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रही बस उसको देखना है, एक पहली जॉब करनी है बस उसके बाद ऑटोमेटिक पल जाता है। ठीक है तो लास्ट में एक क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर दोनों क्वेश्चन को आपने समझा होगा कॉन्सेप्ट को सही से सीखा होगा तो इसके पार्ट के आंसर्स को आप ईजिली हैंडल कर सकते हैं, इसके आंसर्स आप कमेंट्स के थ्रू दीजिए और क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पक्की हो जाती हैं और लास्ट में फीडबैक जरूर देंगे कि ये वाला सेशन कैसा लगा, पोनोटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चों ने बोला है तो एक हमने सेशन केवल आपको दिया है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर यहाँ पर कमेंट करिए बताइए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपलोड करेंगे।